दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ी थी, लेकिन अब बारिश हो रही है, तापमान कम हुआ है। लोगों को गर्मी से फिलहाल तो राहत मिली है, मौसम काफी सुहावना है बाहर। तो दिल्ली एनसीआर में जो तपिश बढ़ी थी, गर्म हवाएं चल रही थी, फिलहाल उसमें तो राहत आ गई है, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है बाहर और तापमान में गिरावट है। मौसम काफी, जिसे कहते हैं, शानदार हो चुका है। आसमान के जो नजारे हैं खूबसूरत हैं। सुबह सवेरे दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर बारिश हो रही है इस वक्त। हालांकि आज शनिवार है, सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, इसलिए राहत भी रहेगी, क्योंकि मौसम में जब बारिश होती है तो दिल्ली की जो सड़कें हैं उस पर गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है, उस पर ब्रेक लगता है। लेकिन शनिवार होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर होगी जैसे ही दफ्तर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है, गुड न्यूज, कि भीषण गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार, बारिश हो रही है, तेज हवा के साथ साथ बारिश हुई है। कई हिस्से हैं जहां अभी भी छिटपुट बूंदे पड़ रहे हैं और कई जगह बारिश नहीं हो रही, लेकिन अधिकांश इलाकों में अभी इस वक्त बारिश हो रही है। अनीशा माथुर हमारे साथ, हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनीशा, गुड मॉर्निंग। किस तरह से अभी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही सुहावना बताया जा रहा है बाहर। जी बिल्कुल, दिल्ली की कई इलाकों में, साथ साथ एनसीआर की कई इलाकों में काफी तेज बारिश, आंधी तूफान पिछले कुछ ऑलमोस्ट एक सवा घंटे से चल रहा है। और साथ ही साथ वेदर डिपार्टमेंट का भी की भी रिपोर्ट ये आई है कि एक स्ट्रॉन्ग पैच जो है बादलों का दिल्ली एनसीआर के ऊपर फिलहाल है, जिसकी वजह से ये कुछ 6:15 बजे जो मैसेज आया था उसमें ये था कि अगले 2 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में मौसम ऐसा ही रहेगा। बैड वेदर थंडर स्टॉर्म की बात उन्होंने की थी। और जो सुबह 5 बजे से पहले जो अलर्ट आया है उसमें ये लिखा गया था कि थंडर स्टॉर्म विद लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रेन और 40 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की आंधी जो है वो दिल्ली एनसीआर में रहेगी। और पिछले 1.25 घंटे से हम देख रहे हैं, जैसे मैं खुद दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर काफी तेज हवाएं चली हैं, बारिश अभी भी आ रही है। फरीदाबाद से हमें सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन आई है कि काफी तेज बारिश और आंधी आई है। नोएडा से भी रिपोर्ट आई है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर दिख रहा है कि कई जगहों पर काफी तेज बारिश, काफी तेज आंधी भी आई है। यहाँ पर कम से कम नॉर्थ दिल्ली में इस वक्त मैं बता सकती हूँ कि अनीशा, हम लोगों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कार के अंदर से, किस तरह से तस्वीरें ली गई हैं। तेज बारिश साफ तौर पर देखी जा सकती है और फ्लाईओवर पर जो गाड़ी चल रही है वाइपर चलाना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है काफी तेज बारिश है। तो हम तो स्टूडियो में हैं अनीशा, लेकिन बाहर का नजारा आप बता रहे हैं दर्शकों तक दिल्ली एनसीआर में। हालांकि अभी भी देश के कई हिस्से हैं जहां बारिश का इंतजार है, लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो खुशखबरी है कि तेज बारिश, तापमान में गिरावट और उनको राहत। अनीशा जी, देखिए तेज बारिश और तापमान में गिरावट तो जरूर है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का ये जो हम सूरत देख रहे हैं, ये थोड़ी सवाल खड़ा करने वाली भी है, क्योंकि मई के महीने में इतनी जो तेज बारिश, आंधी, तूफान हो रहा है, और ये आज पहली बारी नहीं, अभी परसों रात भी यही हुआ था, यानी कि कल जो दिन हुआ है हमारा, तो लेकिन रात को काफी तेज आंधी तूफान आया था, बारिश भी कुछ थोड़ी सी देर के लिए आई थी, लेकिन कल दिन भर में तापमान जो है वो दोबारा से काफी ऊंचा चला गया था। तो ये बार बार तेज गर्मी और बारिश का ये जो सिलसिला दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं। और हालांकि आईएमडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से है, ये जो वेदर है वो अभी हीट वेव की भी वार्निंग आई थी, अब थंडर स्टॉर्म की वार्निंग आ रही है। तो काफी कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं चल रहा है, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में। अनीशा, आने वाले दिनों में अगर बात करें तो मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है कि कब तक ऐसा रहेगा, क्या मौसम अभी बारिश का दौर रहेगा या फिर से हीट वेव का दौर शुरू हो जाएगा, इस पर क्या अपडेट है? माफ कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई।
अनिशा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले आने वाले कुछ दिन क्या हीट वेव का शिकार होंगे या फिर बारिश इस तरह से ही होती रहेगी, क्या जानकारी दी गई है? देखिए, मौसम विभाग की जो आखिरी एडवाइजरी आई थी कल शाम को, उसमें तो यही कहा गया था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है अभी, लेकिन बंगाल, अंडमान सी और अंडमान निकोबार आइलैंड में अगले दो दिन में बारिश की संभावना थी जो मानसून की वजह से है। उसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर इस वक्त आईएमडी ने कहा है, एक उसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसमें थोड़ा इस तरह की मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है अब अगले दो तीन दिन तक। पर जो नॉर्थ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की वार्निंग है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, हेल स्टॉर्म की वार्निंग है पूरे उत्तराखंड राजस्थान की तरफ भी, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां पर भी, असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह में अगले 24 घंटों तक में थोड़ी बारिश और थंडरस्टॉर्म की संभावना आईएमडी की जो एडवाइजरी कल रात को जारी हुई है उसमें। बिल्कुल अनिशा, हम दो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तरफ आप जहां नॉर्थ दिल्ली में खुद मौजूद हैं वहां बारिश हो रही है, उधर हम जहां स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म सिटी नोएडा में, यहां भी झमाझम बारिश का दौर है। ये दो तस्वीरें दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं, सुबह सुबह तेज बारिश का दौर किस तरह से और आंधी तूफान के साथ ये बरसात हो रही है। गाड़ी के अंदर से एक वीडियो तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत तेज बारिश हो रही है और फ्लाईओवर से जब गाड़ी गुजर रही है दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी बेहद लो है। और अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं सुबह सवेरे की एकदम तस्वीर, इसको देखकर आप कह सकते हैं कि आंखों को सुकून देने वाला तस्वीर, क्योंकि तपिश जिस तरह से बढ़ी थी, गर्मी काफ़ी बढ़ी थी, उससे तो फिलहाल राहत है, लेकिन कई सवाल भी है। जिस तरह से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनिशा माथुर कह रही हैं कि जो साइकिल चेंज है, किस तरह से इसका क्लाइमेट चेंज का एक असर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी है, लेकिन दूसरी तरफ फौरी राहत जरूर कह सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि दिन में जो सूरज देव हैं उनकी कृपा काफ़ी इस वक्त बरस रही थी, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन फिलहाल राहत की खबर, क्योंकि बरसात हो रही है बाहर, तो बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिल चुकी है कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में। हालांकि अभी बहुत गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं वो काफ़ी, लेकिन ये भी है आंधी की वजह से जिस तरह से परेशानी हुई है, सुबह सवेरे अगर हम भी ऑफिस दफ्तर पहुँचे तो आंधी का दौर हमें देखने को मिला, इसकी वजह से गाड़ी की जो रफ्तार है वो धीमी करनी पड़ी निश्चित तौर पर, और तेज आंधी के साथ ये बारिश हुई है और कई हिस्सों में बरसात जब तक नहीं हुई थी, बारिश होने से पहले आसमान में जो कह सकते हैं कि जो एक डस्ट है, धूल, उसका गुब्बार देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश हुई अब मौसम साफ लग रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ साथ झमाझम बारिश, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है। और आप सभी से अपील है कि जहाँ पर भी दिल्ली एनसीआर से अगर आप रहते हैं या आप देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं, या फिर बाहर भी आप निकल रहे हैं, गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप बहुत सावधान होकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि कहते हैं सावधानी बहुत ज़रूरी है, देर सही है लेकिन एक्सीडेंट ना हो। लेकिन ये आंधी जो हुई है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पेड़ों के जो पत्ते हैं और वो गिरे हुए हैं, साफ तौर पर नज़र आ रहा है।